दोस्तों कुछ ही टाइम पहले यानी कि 13 सितंबर 2019 को Realme ने Realme XT को लॉन्च किया था। Realme का ये स्मार्टफोन बेहतरीन स्मार्टफोन्स में से एक है। Realme अब इस फोन के प्रो वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो होगा Realme XT Pro। 91 मोबाइल के साथ ही बहुत सारी साइट्स पर इस फोन की स्पेसिफिकेशन पब्लिश की जा चुकी हैं। ये फोन एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा और काफी कमाल की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स इस फोन में देखने को मिलने वाले हैं। कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन को Realme XT 730G के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन को गेम लवर्स को फोकस करते हुए लॉन्च किया जाने वाला है, तो Realme के इस फोन में आप हाई एंड गेमिंग को एंजॉय कर पाएंगे। हमेशा की तरह ही अफोर्डेबल प्राइस पर Realme के द्वारा इस फोन को लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं Realme के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में कि अब तक इस फोन की क्या कुछ जानकारी सामने आई है, किस प्राइस पर और कब तक इस फोन को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। इस फोन में देखने को मिलेगा 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन दिया जाएगा 1080x2340 पिक्सल का, और पिक्सल डेंसिटी होगी 403 पिक्सल पर इंच की। यह डिस्प्ले होगा फुल व्यू डिस्प्ले, जिसमें बेजल का साइज काफी पतला होगा, और डिस्प्ले में आपको नजर आएगा वाटर ड्रॉप नॉच और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी इस फोन में दिया जाएगा। और फोन को पावर देने के लिए इस फोन में दी जाएगी 4000mAh की बैटरी, जिसको 30 वाट की वोक 3.0 फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है, और USB Type-C का सपोर्ट भी इस फोन में दिया जाएगा। बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो काफी कमाल की परफॉर्मेंस इस फोन की होने वाली है, क्योंकि ये फोन Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर के साथ आने वाला है। ये प्रोसेसर 710 से 25% ज्यादा फास्ट है, और इसकी क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz की, और ये चिपसेट 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए इसमें जो GPU दिया गया है वो है Adreno 618। फोन के बैक पैनल पर आपको देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप, जिसका प्राइमरी कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का, जिसमें सैमसंग का ISOCELL Bright GW1 सेंसर दिया जाएगा, और सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। साथ में जो तीसरा कैमरा होगा वो होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और जो चौथा कैमरा होगा वो होगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फोन में दिया जाएगा, और 6GB रैम के साथ ही 64GB इंटरनल स्टोरेज इस फोन में दिया जाएगा। साथ ही 3.5mm का ऑडियो जैक और डुअल नैनो सिम स्लॉट भी इस फोन में दिए जाएंगे, और इस फोन में आपको एंड्रॉइड 10 बेस्ड कलर OS 7 देखने को मिल सकता है। और इस फोन का एक्सपेक्टेड प्राइस होगा लगभग 16 या 17 हजार रुपए के आसपास, और 5 दिसंबर 2019 तक इस फोन को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।